हरे कृष्णा। तो यात्री महाराज और दिव्यानी के बीच में संवाद चल रहा है और यात्री महाराज में बड़े ही सुंदर तरीके से अपने चित्त में उदित वैराग्य को एक बकरा बकरी की कथा के माध्यम से दिव्यानी के सामने प्रस्तुत किया। तो बकरा बकरी की कथा खत्म होने के बाद अब यति महाराज कुछ जीवन के कुछ सिद्धांतों को बताना चाहते हैं। यत् पृथ्वीव्यां वृहि वयं हिरण्यं पशवास्त्रिया न धूयन्ति मना प्रेति पुंसां काम हतस्यते। यति महाराज कहते हैं देवयानी से कि प्रिय इस पृथ्वी में जितने सारा धन है, जितना सारा स्वर्ण है, जितने सारे पशु है या जितनी सारी स्त्रियां हैं, वो यदि एक व्यक्ति को मिल जाए। हम विचार कीजिए कि संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना होगा, बहुत सारी गाड़ियां होगी, बहुत सारे बंगले होंगे या बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, तो उसके पास तो समस्त खाने पीने की उसके पास तो कोई कमी होगी नहीं जी। उसके पास नौकर इतने होंगे कि उनको खाने पीने का ही पूरा भंडारा होता होगा उनके घर पे रोज। या उसके पास बहुत सारे पशु हो, शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर हाथी हो, बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े शौक पालते हैं, ये सब भी या किसी एक व्यक्ति के पास हो और बहुत सारी स्त्रियाँ हो। जो ऐसे बड़े बड़े पुरुष होते हैं उनको एक स्त्री से संतुष्ट नहीं मिलता, उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको भोगने के लिए बहुत सारी स्त्रियां चाहिए रहती। तो यदि महाराज कहते हैं यदि एक व्यक्ति को ये सारी चीज प्रचंड मात्रा में मिल जाए और कई वर्षों तक मिल जाए तब भी हे देवयानी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि अपनी जो जिस स्थिति में वो है उससे और अधिक सुख भोगे। अभी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, गाड़ियां है, बंगला है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको और चाहिए होता है, और की कामना होती है। यदि मनुष्य अपने इस कामना है, जो इच्छाएं हैं, इसको एक प्रकार का मनोरोग कहते हैं, मन का रोग, कि संतुष्ट नहीं होता वो, भले सुख कितना भी कुछ मिल जाए, तो ऐसे मनोरोग से व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति अपना आत्म उन्नति नहीं कर सकता, व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। तो व्यक्ति का इस मनोरोग कैसे दूर होगा, इसका इलाज क्या है, मन का जो रोग है इसका इलाज क्या है, पूर्णता से कृष्ण भावना भावित होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे करके उसकी कामनाएं कम हो जाती है, उसकी जो इच्छा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो विषयों को अगर कोई ये सोचे कि विषयों को भोगने से, विषयों को भोग लूँ और बाद में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा भी सोचता हूँ कि चलो मैं अभी अनलिमिटेड भोग कर लूँ, एक मेरे जीवन में समय आ जाएगा कि मुझमें वैराग्य आ जाएगा, तो ऐसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। देवाधि महाराज कहते हैं कि विषयों को भोगने से भोग वासना कभी कम नहीं होती, जिस तरह से अग्नि में घी डालने से आग बुझती नहीं बल्कि बढ़ जाती है, उसी तरह से व्यक्ति जितना इस सांसारिक भोगों को भोगने का प्रयास करता है, भोगता है, उतनी ही उसकी लालसा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जैसे अग्नि में घी डालने से जिस तरह से कामनाएं बढ़ जाती है, जिस तरह से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही सांसारिक व्यक्ति अगर इन भोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करता है, भोगता रहता है सांसारिक वस्तुओं को, तो उसकी कामना और बढ़ जाती है। इसलिए सुखी होने का क्या, इससे व्यक्ति सुखी होगा? जब संतुष्टि नहीं होगा तो उसमें सुख कैसे मिलेगा?
सुखी व्यक्ति कौन होता है? जो संतुष्ट रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति संतुष्टि नहीं तो सुखी कैसे हो सकता है? तो सुखी होने का उपाय क्या है? यदि महाराज कहते हैं, यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलं समदृष्टे सदा पुंसा सर्वा सुखमया दिशा। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, उससे ना राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति समदर्शी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की भावना रखे? समदर्शी व्यक्ति है, उसको विश्वास है कि सब करने धरने वाले कौन है? भगवान है। तो किसी व्यक्ति को दोष नहीं देगा वो, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय होती है। जो संतोषी होता है, जो राग द्वेष की कामनाओं से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति समदर्शी होता है। सबको ये देखता है कि वो सबके हृदय में भगवान निवास है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो देखता है कि कोई नहीं, अगर इस भक्त से गलती हो रही है तो ये देखना चाहिए कि उसमें क्या गुण है। गुण ये है कि वो 16 माला जप करता है, भगवान को प्रणाम करता है, सुबह मंगल आरती उठता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या दोष होगा? सबसे बड़ा गुण ये है कि उसने भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को, अपने जीवन को। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यदि उसके अंदर कुछ दोष रह भी जाते हैं तो उस दोषों को भगवान नहीं देखते, तो हम क्यों देखें? इसलिए यदि हम लोग जिस तरह से भगवान समदर्शी होते हैं, भगवान के लिए कोई भक्त उनका भजन करे अथवा ना करे, भगवान दोनों को मेंटेन करता है। जिसको दारू चाहिए उसको भगवान दारू की सप्लाई करते हैं, जिसको समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य चाहिए भगवान उसको सब प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं भगवान देख लिखा रहे मेरा भजन करना है, नहीं करना। भजन करने वाले का तो विचार ही नहीं करते, भगवान तो अपने आप को दे देते हैं। लेकिन जो भजन नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, उनको भगवान ऐसा नहीं कि रोटी कपड़ा मकान दे देते, सब कुछ देते हैं, प्रचुर मात्रा में देते। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि विश्वम पूर्ण सुखायते। जो मनुष्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से कृष्ण भावनावेद बनता है, उसे सारा संसार सुखी दिखता है। इसका अर्थ है कि हम लोग यदि कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमारे कृष्ण इष्ट देव बनेंगे, भोग वस्तु सांसारिक कामनाएं हमारे इष्ट नहीं होंगे, हमारा जो उद्देश्य वो चेंज हो जाएगा जीवन में संसार में। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सांसारिक कामनाएं नहीं बचेंगी, सब हम लोग बस भक्त लोग क्या करते हैं, बस किस तरह जीवन निर्वाह हो जाए, शरीर चल जाए। आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जो कार्य करना है उतना ही आवश्यक कार्य करना चाहिए। उससे क्या होगा, ग्रीड नहीं रहेगी, जो लोभ रहता है भौतिक वस्तुओं का वो नहीं रहेगा। उस कारण से क्या होता है, सुखमय जीवन होता है, सुखी होता है व्यक्ति। जब मनुष्य इस जगत में रहता है तब उसको कोई भी कार्य करता है तो उसका कर्म फल, कोई भी कर्म करता है उसका कर्म फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि व्यक्ति कर्म और फल के ऊपर हो जाए, ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है, जैसे भक्त लोग रहते हैं। भक्त लोग सारा कार्य कृष्ण के लिए करते हैं, यदि वो जॉब भी करते हैं तो भी कृष्ण के लिए करते हैं, ये जानकर कि ये घर राधा गोकुलान जी का है, ये घर राधा कुंज बिहारी जी का है, मेरा तो कुछ नहीं भाई, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो जो कुछ करता है घर पे तो अपने भगवान के लिए, ये जानकर कि भगवान का परिवार है और मैं तो उनका दास हूँ। तो कोई फैक्ट्री कर, कोई बिजनेस चला रहा है तो ये बिजनेस भी ये जानकर चलाना चाहिए कि ये बिजनेस कर मैं रहा हूँ लेकिन ये मेरी सेवा है, ताकि इससे जो धन प्राप्त हो उससे भक्तों की सेवा हो सके। तो इस भावना से किया हुआ कार्य, इसमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि सारा कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है, तो कर्म बंधन कैसे लगेगा, वो तो भक्ति हो गई। अगर कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा है, लेकिन इस भावना से कर रहा है कि ये कृष्ण की सेवा है, भावना को बदलना है। पगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि भावना बदल देंगे तो पगार नहीं मिलेगा, पगार ही मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा।
लेकिन ये भावना, ये भावना की स्थिति है कि हर एक कार्य कृष्ण के किया जाता है, ऐसे लोगों को कोई कर्म बंधन नहीं लगता। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं कि जब मनुष्य अपने शत्रु से द्वेष नहीं करता, ये विचार करता है कि मेरा शत्रु है लेकिन इसका कल्याण हो, हे भगवान इसका और मेरा जमता, इस व्यक्ति का और मेरा नहीं जमता है, लेकिन प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका कोई अमंगल हो, इसके जीवन में कोई दुख आए, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि इसकी मति हमेशा आपके चरणों में लगी रहे या आपकी भक्ति अच्छे से करे। ये भावना आपने यदि दुश्मनों के लिए रखता है, वो ये भावना अगर किसी, तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं ये तो परमहंस हो जाए, ये तो परमहंस का स्टेज है, इस तरह की भावना होना ये परमहंस व्यक्ति का स्टेज है, कि दूसरों की अमंगल की कामना ना करना, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए लेकिन दूसरों को कभी अमंगल नहीं चाहना। वो व्यक्ति हमारा कितना भी अमंगल चाहे लेकिन हमें हमेशा दूसरों का हित करने की भावना होनी चाहिए। तो वैसे भी कोई हमारा क्या अहित कर सकता है, हमें हमारे जीवन में कोई भी दुख मिलता है, हमें हमारे प्रारब्ध दोष मिलता है, तो हमें उसका दोष सामने वाले व्यक्ति को क्यों दे, वो तो बस एक निमित्त मात्र बनकर हमें कुछ दे रहा, दुख दे रहा है, वास्तव में तो हमारा प्रारब्ध ही है जो हमें इस दुख में स्थिति पर डाल रहा है, तो बेचारे उसको क्यों दोष दिया जाए। यदि हम लोग यदि हम उस व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, कलह, झगड़ा सब बढ़ते जाएगा, लेकिन ये भावना ये रहे ये तो मेरा प्रारब्ध वश है और उस व्यक्ति के लिए मंगल कामना करें, तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमहंस स्टेज पर पहुंच जाएगा। विषयों की तृष्णा, एक भौतिक विषय की तृष्णा, ये यही संसार में दुख का उद्गम स्थान है। एक किसी भी विषय को प्राप्त करने की लालसा, भोगने की लालसा, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए दुख उठाने से सुख मिलता है, लेकिन कष्ट उठाने से कोई तृष्णा होती है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए होती है तो उससे सुख मिलता है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यदि विषयों की कामना है, स्वसुख की कामना, खुद के सुख के लिए किसी विषय को भोगना चाहते हैं तो उससे दुख ही दुख मिलने वाला है। ऐसे विषयों की तृष्णा जब हृदय में बढ़ती जाती है तो उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मंद बुद्धि लोग बहुत अथक प्रयास के बाद इसको छोड़ पाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा कम नहीं होती। एक बार एक वास्तविक घटना है, अकबर और बीरबल के बीच में चर्चा चल रही थी इसी तृष्णा के बारे में। अकबर कहता है कि बीरबल से कि बीरबल जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी संसार को भोगने की कामना कम हो जाती है, तो बीरबल बोला नहीं। बीरबल का बोला कि कामनाएं ऐसी है कि अब अग्नि में घी डाले तो बढ़ता जाएगा। अकबर बोलता नहीं, एक बार व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, इंद्रिया उसकी शिथिल हो जाती है, आंखों से देख नहीं पाता, चलो मरते वक्त कोई व्यक्ति मर रहा है उसको तो निश्चित रूप से संसार भोगने की इच्छा नहीं हो सकती। बीरबल बोला नहीं, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि मरते वक्त भी व्यक्ति तुच्छ भोगों को भोगना चाहेगा। तो कैसे, ठीक है, बीरबल ने अपने लोगों को भेजा और बताया कि पता लगा कि इस पूरे राज्य में कोई बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है, तो उसने पता लगाया एक बूढ़ा व्यक्ति का मर रहा है। तो राजा ने रिक्वेस्ट किया कि बीरबल ने रिक्वेस्ट किया कि हे राजा आप अपनी बेटी को साथ में ले चलिए, अभी उसकी राजा की जो बेटी थी बहुत सुंदर थी और समस्त अलंकार से सुशोभित कीजिए उसे, तो एक दुल्हन के जैसे उसको सजा कर। बीरबल के कहने से अकबर राजा ने अपनी बेटी को उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले गए। अब जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अकबर राजा की बेटी को देखा, उसकी नज़र और कोई जा ही नहीं रही थी, अकबर कौन, बीरबल कौन, और कोई जा ही नहीं रही थी उसकी। तब बीरबल ने कहा, देखिए आपको देख रहा है। तब अकबर समझ में आया, लेकिन ये जो यदि व्यक्ति अपना जीवन में कल्याण चाहता है तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र
इस तृष्णा को खत्म करना पड़ेगा। खत्म, इसको इसको नष्ट करने का उपाय क्या है? कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा को हृदय में बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये संसारिक जो संसार की तृष्णा है वो ये समाप्त हो जाएंगी। कृष्ण को पाने की लालसा मतलब भगवान से हृदय से भगवान से रोज प्रार्थना कि प्रभु मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगा, कब मुझे आपके चरण कमल प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, कब मुझे आपके भक्तों शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होगी। तो ये जो डिजायर है भगवान को प्राप्त करने की जो लालसा है ये बढ़ती जानी चाहिए। रोज प्रार्थना करते रहेंगे, रोज प्रार्थना करते रहेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और जैसी सी कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी, ये संसार की जो वासनाएं हैं, ये कुछ जो भोगों को भोगने की जो इच्छा है, ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। और कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा इतनी दूर हो जाएगी कि आपको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा कुछ समय के बाद। महाराज कहते हैं कि सांसारिक भोग की